कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने का सपना सभी भारतीयों का है और यह सपना जल्द पूरा भी होने वाला है। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट USVRL प्रोजेक्ट 98% तक कंप्लीट हो चुका है और इसको पूरे 100% कंप्लीट होने के लिए बचा है सिर्फ एक टनल। जी हाँ, एक टनल। एक टनल के ना बनने की वजह से यह पूरी सेक्शन अभी तक पेंडिंग है। यह एक टनल ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन पहुंचने के बीच में बाधा बना हुआ है और रेलवे इस टनल को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस टनल का नाम है टनल T1 जो कि कटरा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाद में आता है। यह टनल त्रिकुटा की खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे बनाया जा रहा है, वही पर्वत श्रृंखलाएं जिसके ऊपर माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है। यानी कि यह टनल टफ सेक्शन में बन रहा है और यही वजह है कि इस टनल को बनने में इतना टाइम लग गया है। आज हम इस वीडियो में इसी टनल के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि यह टनल कब तक बनेगा और यह टनल कितना बन चुका है। टनल T1 को इनिशियली न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के हिसाब से बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद 2017 में इसका काम बंद हो जाता है क्योंकि इस टनल के अंदर पानी का रिसाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से इस टनल का काम बंद करना पड़ता है। फिर इस टनल को भारत की न्यू टेक्निक IHSB द्वारा बनाया जाता है जिसमें डीप ड्रेनेज पाइप को ड्रिल किया जाता है और उसके अंदर PU ग्राउट को भरा जाता है जिसकी वजह से चट्टानें ठोस हो जाती हैं और फिर आगे की कटिंग करी जाती है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करके आखिरकार 2024 में इस टनल की ब्रेक थ्रू कर दी जाती है। यह ब्रेक थ्रू सिर्फ आधे पोर्शन को काट के की जाती है, 100 मीटर से भी ज्यादा का आधा पोर्शन इसका बच जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस पहाड़ के अंदर बहुत सारी कैविटीज बन जाती हैं और फिर उसमें पानी भर जाता है और यह टनल के धंसने की वजह बन जाती है। लेकिन इंडियन इंजीनियर्स द्वारा डेवलप करी गई न्यू टेक्निक IHSV द्वारा इस टनल के काम को आगे बढ़ाया जाता है और अभी तक मिली जानकारी के तहत इस टनल को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। यानी कि ये जो आधा टनल बच गया था इसका भी काम अब कंप्लीट हो चुका है। यह कोई ऑफिशियल जानकारी या स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमें अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह काम पूरा हो चुका है और अब इस टनल के आगे का काम किया जाएगा। यानी कि इसके ऊपर ट्रैक लेइंग का काम अब जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उसके साथ ही इस टनल के आगे के काम जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइटिंग, सिग्नलिंग जैसे छोटे छोटे काम को किया जाएगा और इस टनल को जल्द से जल्द कंप्लीट करके रेडी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह टनल ट्रैक लेइंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके अंदर अब ट्रैक लेइंग का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। यानी कि अब जो है हम मान सकते हैं कि यह टनल कंप्लीशन की ओर बढ़ चुका है। अगर इसमें अब कोई मेजर प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो यह टनल 2 महीनों के अंदर कंप्लीट हो सकता है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन चल सकती है। यह टनल लगभग 3 किलोमीटर का है जो कि कश्मीर तक ट्रेन जाने के लिए बाधा बना हुआ है, लेकिन यह टनल भी अब जल्द कंप्लीट हो जाएगा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन का सपना पूरा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि रियासी से लेकर संगलदान वाली सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। उसकी इनॉगरेशन भी 15 अगस्त को रखी गई थी, लेकिन वो इनॉगरेशन नहीं होती है और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। यानी कि 10 अक्टूबर तक अब जहाँ पे कोई भी इनॉगरेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि रियासी से लेके संगलदान वाली सेक्शन का इनॉगरेशन अक्टूबर में हो सकता है, लेकिन वहीं टनल T1 का काम भी अब कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। एस्टिमेटेड यह टनल 2 महीनों में बन सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि रियासी से संगलदान वाली सेक्शन के इनॉगरेशन को डिले करके यह पूरी संगलदान से कटरा वाली सेक्शन को ही इनॉगरेट कर दें। और नरेंद्र मोदी ने भी रैली में कहा है कि इस सेक्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा, कश्मीर तक ट्रेन जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। यानी कि कटरा से संगलदान वाली सेक्शन का डायरेक्ट इनॉगरेशन होने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं, लेकिन अब यह समय ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी के हिसाब से टनल T1 के अंदर ट्रैक लेइंग का काम कभी भी शुरू हो सकता है और इस टनल को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।